हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको फिर से हमारा एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कहते हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और सुबह बज चुका है 8। और सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा दिल से गुड मॉर्निंग का दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं जा रहा हूँ चालकी ड्यूटी। जैसे पिछला लाइव ब्लॉग वीडियो में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब, और आज मैं चालकी ड्यूटी जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ मौसम इस टाइप का है। तो दोस्तों, और बादल ही है और आकाश में बादल ही है। और आप देख सकते हैं कि बारिश अभी जस्ट गिर के गया है और हल्का हल्का रिमझिम बारिश तो हो रहा है। और आप देख सकते हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ चालकी, जैसे आप सभी को बताया था दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो होगा ज़बरदस्त होगा, मस्त होगा। तो दोस्तों, तो आप लोग इस ब्लॉग वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए और आपका भाई को कपड़े बनाए रखिए। तो आप देख सकते हैं जस्ट अभी पानी पानी हो गया है और बारिश हो के गया है। तो चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जो जैन मंदिर। और डॉक्टर में जाते जाते आता ही है। और सुबह का मौसम है तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता, सुबह का मौसम बहुत अच्छा और प्यारा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। देख सकते हैं जो मौसम कितना मस्त तगड़ा करके रखा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, और अभी थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा धूप निकला ही है हल्का, लेकिन आकाश में फिर भी बादल ही है। आप देख सकते हैं आकाश में भी बादल ही है। रास्ता में जाते जाते ये है जैन मंदिर, सर्वदेव नगर जैन मंदिर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनली धूप निकल चुका है और बहुत धूप हो गया है। और आप देख सकते हैं इधर जो सूरज ही है, और आप देख सकते हैं ये जो सूरज ही है। तो मैं जो अभी चल के जा रहा हूँ, आप देख निकल चुका है और मेरा हाथ में छतरी भी है और कभी कभी बारिश भी आ जाता है। तो दोस्तों, तो अभी मैं जो चालकी जा रहा हूँ, तो मुझे ड्यूटी जाने में 20 से 25 मिनट लगता है यहाँ से चालकी जाने में। जिसने बोला कि मेरा साइकिल ख़राब हो गया, तो साइकिल ठीक कराएंगे दोपहर को। और अभी चालकी जा रहे हैं ड्यूटी, और आप देख सकते हैं ये कुछ व्यू इस टाइप का है। और मैं भी एक बिल्डिंग का अंदर ही जा रहा हूँ, मतलब एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग अंदर ही जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मुझे 20 से 25 मिनट लगेगा अभी चल के जाने का। तो आज का ब्लॉग वीडियो बहुत मस्त होगा और आप लोग आपका भाई को सपोर्ट बनाए रखे। तो आप देख सकते हैं ये एक खजूर का झाड़ ही है, कितना बड़ा खजूर का झाड़ है, मस्त। आप देख सकते हैं सकते मुंबई में जो बिल्डिंग है कितना सुंदर और बड़ा बड़ा ही है। आप देख सकते कितना बड़ा बड़ा ही है, ज़बरदस्त ही है। आप लोग तो वीडियो शुरू से अंतर देखते रहना है, तो वीडियो को स्किप भी नहीं करना है और स्किप करने से कुछ भी आपको समझने को नहीं आता है। और जो पूरा वीडियो में हम दिखाएंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से, तो आप इस जो वीडियो देख रहे हैं दोपहर का 3 बज चुका। तो जैसे मैं सुबह बोला था कि मेरा साइकिल ख़राब हो गया है, और आप देख सकते हैं मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ रास्ता में। साइकिल रिपेयरिंग करेंगे और फिर जाएंगे जो ड्यूटी। और अभी जो दोपहर के 3 बज चुका और आप लोग ब्लॉग को शुरू से अंत तक देखते रहिए और हम सीधा मिलते हैं आप सभी को साइकिल दुकान पे दोस्तों। और आप देख सकते हैं जैसे मैं अभी रोड पे ही जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये जो मेरा साइकिल है, और मेरा साइकिल जो ख़राब हो गया है वही बनाएंगे। तो साइकिल अंकल ने बना के देंगे, देखते हैं कितना पैसा लगता है, कितना रुपया लगता है। फाइनली आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका साइकिल दुकान। ये है मेरा साइकिल दुकान, जो मैं साइकिल हमेशा इधर ही बनाता रहता। देखते हैं अभी अंकल है कि नहीं साइकिल वाला, होगा तो हमें अभी रिपेयरिंग करेंगे। है अंकल, वो ख़राब हो गया थोड़ा। आओ दोस्तों, अंकल तो है, अभी खाना खा रहे क्या?
तो अभी जो साइकिल अंकल ने खाना खा रहे हैं और उनको खाना खाने दो, और खाना खाने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा साइकिल रखा है इधर जो ख़राब हो गया है ये, और बनाएंगे और बनाने के बाद तब जाएंगे हम मार्केट और देखते हैं अभी मार्केट में क्या है क्या नहीं है। होलसेल में है तो अंकल ने खाना खा के आ चुका है और आप देख सकते हैं, और अभी देखेंगे हमारा साइकिल। ये जी अंकल है, साइकिल अंकल है, निकल गया वो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंकल ने अभी देख रहे जो मेरा साइकिल क्या खर्चा आएगा, क्या खर्चा आएगा, ये इसको बल्ब लगाएंगे तो हो जाएगा ना, बल गया ना ये नहीं, और इसको आगे नहीं डालना पड़ेगा, वाटर भी नहीं डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा ना, गुली गुली रखते ना खर्चा आएगा। 180 कम नहीं आएगा, बस कभी है। अरे यार ठीक है, चलो बनाओ। मेरा साइकिल का 180 रुपया खर्चा होने वाला है और आप लोग ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखते रहे और हम बताएंगे और आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह जो है नया डालना है और यह है ये जो नया है। पहुंच चुका मार्केट में, यह है हमारा मार्केट मुलुन मार्केट, कुछ मुलुन मार्केट इस टाइप का है और आप देख सकते हैं सब कुछ है मार्केट में, जो भी चाहिए मुंबई सिटी है तो सब कुछ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये राखी का दुकान है, अभी इधर राखी है, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए राखी बेच रहे, और आप सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, जो भी चाहिए मुलुन मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। तो फाइनल मैं मार्केट में पहुँच चुका, चलिए मेरे लिए कुछ ख़रीद करना है। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं लंगा पैर में साइकिल चला रहा हूँ, और क्योंकि ना वो आते आते मेरा चंपल टूट गया है, और एक चंपल ले लेते और मेरे लिए तो कुछ लेंगे नहीं, और दो चार साग भाजी कुछ ले लेंगे घर के लिए, तो फिर ही जाएंगे घर। तो आप लोग ब्लॉग को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो सर दोस्तों अभी तक आप हमारा चैनल पे न्यू है तो जो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हम कुछ ऐसी टाइप का वेराइटी कंटेंट लेके आएंगे और वीडियो देखते रहेंगे और आप लोग। और बिल्कुल, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट भी भीड़ है और गर्दी भी है, मार्केट बहुत सारा गर्दी है और मार्केट हमेशा गर्दी रहता है, और ये मुलुन मार्केट है जैसे मैं बोला, आप देख सकते हैं हमेशा भीड़ ही रहता ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो मौसम है बादल है और जस्ट अभी बारिश गिर के गया है, बारिश हो के गया है, और आप देख सकते हैं जो पानी है इधर भी मार्केट अंदर में, और जस्ट बारिश हो के गया अभी, और मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और बादल में छाया हुआ बादल पर मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी दोपहर के बज चुका 5, तो दोस्तों चलिए, और सबसे पहले हम अभी एक चंपल ले लेते, और चंपल दुकान इधर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर है चंपल दुकान, तो इधर से एक चंपल खरीद कर लेते, तो ज़्यादा नहीं 100 रुपया का, 100-150 रुपया का चंपल लेंगे, एक स्लीपर दो ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी एक चंपल खरीद करेंगे, तो फिर चलते चंपल एक ले लेते, चलेगा बढ़ेगा कितना। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं मैं एक चंपल ले लिया है, तो मैं ऑलरेडी चंपल खरीद करके आ चुका, और आप देख सकते हैं बादल हो गया है, और चलते सीधा घर। तो दोस्तों अभी आप बारिश हो रहा है रिम, और चलिए ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ।
तो दोस्तों अभी तक आप हमारा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका भाई को सपोर्ट बनाए रखे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए कहीं मिलते हैं न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, लव यू।